हमने अभी तक देखा है कि किस तरह से राजा और प्रजा के बीच में फ्रांस के अंदर संघर्ष हो रहा था। एंड ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट यू विल सी कि फ्रांस के अंदर एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, और वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के कारण ही फ्रांस की प्रजा को बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे। उनको बहुत सारा गुस्सा था कि उनको राजकीय रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। द मोनार्की वॉज रूलिंग ओवर देयर, द मोनार्की डिड नॉट केयर फॉर द पीपल। सेकेंडली, द प्रिविलेज बेस्ड सोशल सिस्टम इन द फ्रांस वॉज वेरी मच डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स द थर्ड एस्टेट, एंड एज अ रिजल्ट दे वर लार्ज स्केल ग्रीवेंसेज। वॉट हैपन्स इन बिटवीन इज दैट बिटवीन 1780 ऑनवर्ड्स और समवेयर अराउंड 1780s देयर वाज सम इवेंट्स, एंड दिस इवेंट्स कल्मिनेटेड इन टू दी 16 जून टेनिस कोर्ट ऑर्थ, एंड फाइनली ऑन दी 14 जुलाई 1789 वेन यू विल रियलाइज दैट द फोर्ट ऑफ बस्टाइल विल बी अटैक्ड बाई द पीपल ऑफ फ्रांस, एंड दैट वॉज द अल्टीमेट अटैक ऑन द सिम्बॉल और द अथॉरिटी सिम्बॉल ऑफ द फ्रेंच किंग। हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे वो है फ्रांस की क्रांति के इमीडिएट कॉजेस, तत्कालीन कारण क्या थे, व्हाट वर द इमीडिएट कॉजेस विच वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस, एंड फॉर दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द पीरियड बिटवीन 1780 टू 1789। मैंने इसके पहले फ्रांस की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस आपको समझा दी है। आपको समझ में ना आए तो आप फिर से आगे की स्लाइड्स को जाके रिपीट करने की कोशिश करेगा और आगे की वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे। अब देखेगा, फिर से हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से जाएंगे और क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1774, और 1774 के अंदर मैंने आपको बताया कि लुई 16 सत्ता के ऊपर आता है। लुई 16 सत्ता के ऊपर आने के बाद हमको ये भी जानकारी मिलती थी कि लुई 16 वॉज अ वीक रूलर, देर वॉज करप्शन इश्यूज इन द स्टेट, द फ्रेंच स्टेट हैड सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, उसकी जो फ्रेम थी वो फ्रेम के अंदर ही इश्यूज थे। तो आपकी राज्य की जो आपका ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर ही कोई इश्यू हो गए तो आप कुछ भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको ढांचा बदलना पड़ेगा या ढांचा का जो पार्ट है जिसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के कारण आपको जानकारी मिलती है कि 1786 तक आते आते फ्रांस के अंदर बहुत बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत होती है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल क्राइसिस बोले जाते हैं कि फ्रांस वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। बोले फ्रांस का था ना दिवालापन निकलने वाला था, और राजा की हालत खराब हो गई थी कि राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैंने आपको ये भी बताया कि ये दिवालापन फ्रांस का क्यों आया, उसके पीछे अमेरिका की क्रांति भी जिम्मेदार थी, साथों साथ जो आर्थिक नीति हुआ करती थी, द इकोनॉमिक पॉलिसी विच वॉज अडॉप्टेड बाय द मोनार्क ऑफ फ्रांस वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट। एंड सेकेंडली, द किंग वॉज किंग, वो तो राजा राजा था। हम नवाब किसको कहते हैं, बोले कड़के तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के, तो खर्चा बेहद करते थे, प्रजा की हालत खराब कर दी थी, प्रजा का गुस्सा फूट निकला और प्रजा ने राजा को बरोबर का तमाचा दिया। अब देखते रहेगा होगा क्या। द फ्रेंच स्टेट हैड नो रेवेन्यू इनकम, द ट्रेजरी वॉज गेटिंग एम्प्टी एंड द फ्रेंच किंग वॉज कन्फ्यूज। राजा कन्फ्यूज हो गया था कि भाई साहब अब करें तो भी क्या करें, और ये कंडीशन के अंदर राजा अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है ब्रायन। ब्रायन को पूछेगा कि भाई मुझे बता दे यार, तू वित्त मंत्रालय संभालता है, तू फाइनेंस मिनिस्ट्री समझाता है, तो आप क्या करोगे। सॉरी, कैलोन करके जो फाइनेंस मिनिस्टर था, ओके, तो कैलोन को बताता है, और कैलोन जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो राजा को बताता है कि भाई राजा हमारे पास एक सिस्टम है। राजा बोलेगा क्या सिस्टम है बताओ मुझे। बोले एक स्पेशल काउंसिल है जो एडवाइजरी बॉडी हुआ करती है, और स्पेशल काउंसिल को पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, एंड एज अ रिजल्ट द होल प्रपोजल वॉज लाइक नो दिस एडवाइज वॉज टेकन बाय द स्पेशल काउंसिल। अब हुआ ये कि ये जो स्पेशल काउंसिल था उसके अंदर बहुत सारे आपके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, जो जेंट्री क्लास हुआ करते थे, जो क्लर्जी हुआ करते थे, वो इनके द्वारा ही बनाया गया था, क्योंकि राजा इनकी सलाह लेता था। नोबल्स किसको कहते हैं भाई, जैसे था ना कि आपके नवरत्न हुआ करते थे, या आपके सल्तनत के दौरान भी बहुत सारे राजा के एडवाइजर्स हुआ करते थे, नोबल्स हुआ करते थे, ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हुआ। अभी ये पूरा का पूरा जो जो स्पेशल काउंसिल था इसके अंदर हमने देखा कि ये लोग ऐसे लोग बैठे थे जो कभी भी टैक्स नहीं दे रहे थे, ओके। अभी ये कंडीशन के अंदर में कैलोन दूसरा एक एडवाइस देता है। बोले कैलोन बताता है राजा को, बोले कि राजा अगर स्पेशल काउंसिल नहीं बुलाना हो तो हम लोग दूसरा रास्ता करते हैं, और हम लोग डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को बोलते हैं कि अच्छा तुम टैक्स देना शुरू कर दो। अब जैसे ही ये स्पेशल काउंसिल को जानकारी मिलती है कि ये कैलोन नाम का इंसान जिसने हमारे ऊपर टैक्स लगाने की इसने हिम्मत की और इसने एक प्रपोजल रखा,
तो तुरंत ही ये फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे स्पेशल काउंसिल के अंदर, ये लोग राजा को मिलेंगे और राजा को प्रेशर करेंगे, बोले हटाओ ये वित्त मंत्री को, बोले कैसा इंसान है कि बोले हम जैसे विशेषाधिकार वाले वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स इम्पोज कराने की इतनी हिम्मत कर रहे हो। और ये कंडीशन के अंदर में, फ्रांस के अंदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसको हटा दिया गया। कैलोन के ऊपर तलवार गिरती है और राजा बोलता है कि भाई चल तू निकल यहाँ से। और राजा इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा था, ये जो स्पेशल काउंसिल और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के जो लोग थे वही राजा को बहका रहे थे। रात गई बात गई, दूसरा सिस्टम आया और 1787 में दूसरा एक फाइनेंस मिनिस्टर आता है जिसका नाम था ब्रायन। राजा फिर से इसको पूछेगा, राजा बोलेगा कि व्हाट टू डू फाइनेंस मिनिस्टर, पैसा बहुत कम आ रहा है फ्रांस के अंदर, खर्चे बहुत बढ़े जा रहे हैं, बैंकरप्सी के ऊपर है, हालत खराब हो जाएगी भाई हमारी, कुछ सलाह दे दो, तुम वित्त तरह से संभालते हो, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट अपने आप को बोलते हो और आराम से फिस्कल डेफिसिट और मॉनेटरी डेफिसिट को कंट्रोल कर पाओगे, करोगे कि नहीं करोगे, इसके लिए तो मैंने तुमको सत्ता के ऊपर बैठा है। ब्रायन फिर से प्रपोजल देगा, बोले राजा एक काम करो, यूनिफॉर्म टैक्स पॉलिसी ला दो और साथों साथ नए टैक्सेस के ऊपर नए टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस कराओ। अब जैसे ही ब्रायन ने ये प्रपोजल दिया तो तुरंत ही यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि ये जो स्पेशल काउंसिल जो एडवाइजरी बॉडी हुआ करता था वो बीच में आया और उसने राजा को बताया कि रुको 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 माय लॉर्ड, बोले ऐसा नहीं चलता, ये हम लोग हैं, हम लोग एडवाइस देंगे तभी राजा को मानना पड़ेगा क्योंकि राजा इनके ऊपर डिपेंडेंट था बॉस, इन्होंने ये है ना ये जो वेंटिलेटर का बटन बंद कर दिया, स्विच बंद कर दी तो राजा का ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ऐसी हालत थी। और ये स्पेशल काउंसिल ने बताया कि भाई कुछ भी करना पड़ेगा हमको। अब ब्रायन ने इसको बताया कि भाई भले स्पेशल काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया हो बट आपको तो इम्पोज करना ही पड़ेगा, आप इम्पोज नहीं करोगे तो देखेगा राजा, फिर मुझे मत बताइएगा, आई गॉट अ PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम फलाना फलाना यूनिवर्सिटी, ओके बड़ी पेरिस की यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो राजा कंफ्यूज, राजा के जो एडवाइजर्स हुआ करते थे जो स्पेशल काउंसिल, वो स्पेशल काउंसिल राजा को मना कर रही थी कि राजा याद रखेगा कि टैक्स इम्पोज कराया है तो आपका बटन बंद कर देंगे हम लोग। तो ये कंडीशन के अंदर में राजा जब सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, तो स्पेशल काउंसिल बीच में पड़ेगा। स्पेशल काउंसिल राजा को बताएगा कि बोलो रुको राजा, तुमको अगर टैक्स इम्पोज कराना हो तो उसके लिए हमारी एक और एडवाइजरी और स्पेशल बॉडी है जिसका नाम है पार्लेमा। बोले पार्लेमा के अंदर ये प्रपोजल भेजो कि भाई टैक्स इम्पोज कराना है कि नहीं कराना, नए टैक्सेस लागू करने हैं कि नहीं करने हैं, पुराने सिस्टम के अंदर क्या चेंज करना है, ये सब की सब चीज़ें पार्लेमा डिसाइड करेगी। राजा बोलेगा कोई बात नहीं, हम लोग पार्लियामेंट के अंदर प्रपोजल भेजते हैं, मुझे मेरे PhD वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर है ब्रायन साहब उनके ऊपर पूरे पूरा भरोसा है। समय निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा और राजा ये प्रपोजल को पार्लियामेंट के अंदर भेज देगा। और पार्लियामेंट बेसिकली एक ऐसा बॉडी हुआ करता था जिसके अंदर में आपको जानकारी मिलती है कि हेरिडेटरी जो नोबल्स हुआ करते थे वही रहते थे। और लुई XVI जैसे लोग थे जिन्होंने लुई XIV लुई XV जैसे लोग थे जिन्होंने ये पार्लेमा जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स और थोड़े बहुत डेलिब्रेटिव बॉडीज से जहाँ पे थोड़ी बहुत चर्चाएं होती थी उनको अबॉलिश कर दिया था, उनको ख़त्म कर दिया था। और बेसिकली ये पार्लेमा के अंदर जो भी लोग थे ये नोबल्स हुआ करते थे। अब राजा ने इनको प्रपोजल भेज दिया और राजा ने पार्लेमा को बताया कि भाई मुझे तुम समझाओ टैक्स लागू करना है कि नहीं करना। अब आप एक चीज़ समझिए, पार्लेमा के अंदर कौन कौन लोग बैठे थे, वो थे फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट वाले। और आपको लगता है कि ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोग हैं जो आज तक कभी भी टैक्स पे नहीं करते थे और वो राजा को अच्छा प्रपोजल देंगे, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बोले फॉर टैक्स मैटर्स माई लॉर्ड वी नीड टू सेंड दिस प्रपोजल टू द एस्टेट जनरल। बोले हम खुद डिसीजन नहीं ले सकते ना ही राजा खुद डिसीजन ले सकता है, हमको अगर किसी के ऊपर टैक्स लागू कराना है तो उसके ऊपर एस्टेट जनरल लागू, क्योंकि कायदा पास करना पड़ेगा, आपको एक एक बिल रखना है, बिल रखने के बाद उसका एक्ट बनेगा तब जाके होगा। अब लुई XIV और लुई XV होता तो इसने इन लोग की दुकान बंद करा दी थी, बट लुई XVI मैंने आपको बताया कि कमजोर राजा था, उसकी कुछ चलती ही नहीं थी भाई की, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसको जैसे ही ये पार्लियामेंट ने एडवाइस दिया तो उसने बुलाया कि कोई बात नहीं, बुला दो एस्टेट जनरल को, अब देखेगा कि एस्टेट जनरल
को बुलाने के पीछे पार्लियामेंट के बहुत सारे राज थे। वो राज के पीछे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट जो था, जिसे हम लोग एस्टेट जनरल कहते हैं, लुई 14th और लुई 15 ने इसको अबॉलिश कर दिया था। जानकारी मिलती है कि 1614 के बाद फ्रांस के अंदर एस्टेट जनरल की एक भी मीटिंग नहीं हुई थी, और ये राजा मूर्ख अपनी पार्लियामेंट की एडवाइस के ऊपर आ गया और बोल दिया कि भाई साहब कोई बात नहीं, मीटिंग बुलवा देते हैं। और इसके पीछे पार्लियामेंट के दो कारण थे। पार्लियामेंट जानता था, बोले एस्टेट जनरल के अंदर जब प्रपोजल रखा जाएगा, वो प्रपोजल को हम आराम से टैकल कर देंगे, चिंता मत करिए आप लोग। साथों साथ वो प्रपोजल को हम लोग टैकल भी करेंगे, और प्रपोजल को जब रिजेक्ट करेंगे ना, तो राजा की शक्ति जो है थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो जाएगी और हम लोग और पावरफुल हो जाएंगे। तो फ्रांस के अंदर पूरा का पूरा जो पावर कैप्चर करने का जो सिस्टम डेवलप कराया गया था, वो सिस्टम के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, जिसके अंदर पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठा करते थे, उन्होंने राजा को बताया कि आपको इसकी मीटिंग करानी पड़ेगी। और राजा मूर्ख था, राजा को समझ में नहीं आ रहा था, और राजा ने पार्लियामेंट की मीटिंग करा दी और एस्टेट जनरल की मीटिंग करा दी, और इसके बाद ही यहाँ पे क्रांति होती है। अब देखेगा कि इन बिटवीन होता क्या है। पार्लियामेंट ने राजा को बताया कि एस्टेट जनरल की मीटिंग कराओ, बट बैकग्राउंड के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि 1787-88 के अंदर फ्रांस के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गए, और ये क्राइसिस बेसिकली फ्रांस की क्रांति के पीछे यहाँ पे ट्रिगर के तौर के ऊपर काम करेंगे। दिस एग्रीकल्चर क्राइसिस वर द फैक्टर्स वर द बैड हार्वेस्ट, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रेड राइस्ट होना। तो एक के बाद एक चीज कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे फ्रांस के अंदर अल नीनो आ गया था, वो अल नीनो के कारण यहाँ पे फ्रांस के अंदर जो एग्रीकल्चर जो था प्रोड्यूस नहीं हो पाया, क्योंकि बारिश फेल हुई तो क्रॉप फेल हो गए, क्रॉप फेल हुए डिमांड नहीं आ, सप्लाई नहीं आया, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया साथों साथ अनएम्प्लॉयमेंट था, लोग गुस्से थे, और राजा फिर से यहाँ पे कंफ्यूज, बोले करे तो भी क्या करे। यहाँ पे रायट्स हो रहे थे, दंगे भड़क रहे थे, लोग ब्रेड के टुकड़े के लिए फ्रांस के अंदर फाइट कर रहे हैं। और ये कंडीशन के अंदर आते आते 5 मई 1789 का दिन, और फाइनली डिसाइड कर दिया जाता है कि हम लोग एस्टेट जनरल को बुलाएंगे। और मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के छुपे हिडंडा थे, और ये एजेंडा के थ्रू, हिडन एजेंडा के थ्रू पार्लियामेंट यहाँ पे सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता था। अब जैसे ही ये एस्टेट जनरल का जो सिस्टम था कुछ हिसाब से चलता था, ये एस्टेट जनरल के अंदर हर एक हाउस को, फर्स्ट एस्टेट को 1 वोट, सेकेंड एस्टेट को 1 वोट और थर्ड एस्टेट को 1 वोट, तो टोटल 3 वोट मिलने चाहिए। और तीन में से कोई 2 हाउसेस ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो वो प्रपोजल को पूरा का पूरा जो वोटिंग होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और थर्ड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी एस्टेट प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी और कौन सी एस्टेट प्रपोजल को रिजेक्ट करेगी? यू विल रियलाइज दैट द थर्ड एस्टेट विल से ओके टू दिस प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेशन बिल, बट द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट विल रिजेक्ट। एंड अल्टीमेटली आपको जानकारी मिलेगी कि 1:2 का जब वोटिंग होगा तो 2 वाले जीतेंगे, और जो टैक्स का जो बिल है, जो प्रपोजल है, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। और इसके कारण आपकी जो पार्लियामेंट नाम की जो बॉडी है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट वाले लोग हैं, वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड एज अ रिजल्ट यू विल रियलाइज कि यहाँ पे पार्लियामेंट और ये एस्टेट जनरल जो प्रपोज किया गया था वो इस हिसाब से काम कर रहा था। सेकेंडली, एस्टेट जनरल के अंदर यहाँ पे एक और प्रोविजन थे कि यहाँ पे कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, क्योंकि एस्टेट जनरल के अंदर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन यहाँ पे वोटिंग होता था। और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वोटिंग मतलब, फर्स्ट एस्टेट के अंदर 100 रिप्रेजेंटेटिव्स है, सेकेंड के अंदर 200 है, और थर्ड के अंदर 600 है। और अगर इनका जॉइंट सेशन होता तो हो सकता है 600:300 के तौर के ऊपर वोटिंग किया जाता, और ये 600:300 में 600 लोग जीत जाते और यहाँ पे टैक्स का प्रपोजल हम लोग कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं। बट पार्लियामेंट को ये चीज पता थी, और इसके कारण ही पार्लियामेंट यहाँ पे सिस्टम चलाता है। द फर्स्ट एस्टेट हैड 200,000 क्लर्जी, उसमें से इसके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। सेकेंड एस्टेट के अंदर 4 लाख के आसपास टोटल पॉपुलेशन थी और इसके 285 रिप्रेजेंटेटिव थे, और बाकी के आपकी जो 25 लाख के आसपास जो पॉपुलेशन थी उनके 650 रिप्रेजेंटेटिव थे।
बट जस्ट बिकॉज इनके बीच में ज्वाइंट सेशन नहीं होने वाला था, तो द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट न्यू दैट भविष्य के अंदर भी एस्टेट जनरल की मीटिंग होगी, तो हम लोग आराम से 1:2 का जो वोटिंग करेंगे और वोटिंग के अंदर में टैक्स के प्रपोजल को स्ट्रक डाउन कर देंगे. सो द एस्टेट जनरल और द पार्लियामा विच गेव दिस प्रपोजल दे न्यू कि भविष्य के अंदर टैक्स लागू कराना है तो टैक्सेशन राइट्स हमारे हाथ से ही कंट्रोल होंगे और हम लोग मैनेज कर देंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग को एस्टेट चलाना है. अब हुआ ये कि 5 मई 1789 एस्टेट जनरल की मीटिंग होनी है और सबके सब एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगह के ऊपर से आते हैं. फर्स्ट एस्टेट के अंदर और सेकंड एस्टेट वाले जो थे वो तो ज़्यादातर फ्रांस और जो अर्बन एरिया से पेरिस के आजू बाजू में रहने वाले थे, पर ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो बेचारे के रूरल एरिया से आने वाले लोग थे, ओके, गांव खेड़े से, पीजेंट वर्कर्स से, मिडिल क्लास से, और ये सब मिलना शुरू हो गए. और धीरे 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 उन्होंने मिलना शुरू किया और यहाँ पर थर्ड एस्टेट के बहुत सारे लोग, उसमें से भी जो बुर्जुआ क्लास था थर्ड एस्टेट का, वो इकट्ठा होता है. और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमको इस बार जॉइंट सेशन चाहिए सिटिंग का, वी वॉन्ट जॉइंट सेशन ऑफ द सिटिंग. बोले अब हम लोग ये जो अलग अलग इंडिविजुअल जो कन्फाइंड वोटिंग करते हैं वैसा नहीं करेंगे. और जैसे ही इन्होंने ये प्रपोजल रखा तो राजा फिर से कंफ्यूज, क्यों, राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या मांग कर रहे हैं. तो राजा ने फिर से अपने एडवाइजर्स को पूछा, ये एडवाइजर फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोग हुआ करते थे, इन्होंने राजा ने इसको पूछा कि भाई बताओ मैं क्या करूं, ये थर्ड एस्टेट वाले जॉइंट सिटिंग की मांग कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए. तो फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट ने बोल दिया, बोले लोक, हमारे फ्रांस के अंदर जो सिस्टम चल रही है उसके अंदर ये बताया गया है कि देर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि जब थर्ड एस्टेट ने इसकी डिमांड बढ़ा दी, बोले हम क्या चाहते हैं जॉइंट सिटिंग, बोले हमको तो जॉइंट सिटिंग ही चाहिए, और इन्होंने प्रेशर लगाना शुरू कर दिया. जब इन्होंने ज्यादा प्रेशर लगाया तो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट ने राजा को बताया कि अगर आपने जॉइंट सिटिंग कराया तो देखेगा कि आपका प्लग बंद कर देंगे हम लोग. राजा कंफ्यूज, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और ये कंडीशन के अंदर जब राजा ने फिर से फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को पूछा कि भाई मुझे फाइनल सॉल्यूशन कराओ कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट एक सॉल्यूशन देते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सॉल्यूशन देते हैं और बताते हैं राजा को कि भाई राजा एक काम करो, तुम ये जो है ना आपका जो मीटिंग होने वाला है थर्ड एस्टेट का जो हॉल के अंदर उसके ऊपर ताला लगवा दो. राजा मूर्ख था कि भाई ताला लगवाने के कारण वो क्रांति को रोकना चाहता था, और राजा ने ऐसा ही किया. राजा ने बोल दिया फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के एडवाइस के ऊपर थर्ड एस्टेट वाले लोगों को कि भाई भाई मेरे हॉल के अंदर रिनोवेशन होना है, वहाँ एसी, पंखा, टीवी, फ्रिज सब लगाने वाले हैं, तो मेरे कारपेंटर्स आने वाले हैं, आपको बहुत सारी तकलीफ होगी, हम लोग मीटिंग नहीं रख सकते. ये थर्ड एस्टेट के लोग जो फ्रांस के अंदर इकट्ठा हो रहे थे अलग अलग जगह से, सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं, और ये लोग को जब ताला लगा दिया जाता है जो मीटिंग हॉल के अंदर, तो इनका एक लीडर हुआ करता था एबीसीएस. एबीसीएस इन लोग का लीडरशिप लेता है और बोलता है कि हु आर वी, तो फ्रांस की प्रजा बोलती है कि वी आर ऑन इन वॉर. बोले व्हाट डू वी वांट, बोले जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रिफॉर्म्स एंड लिटिल बिट ऑफ पावर. फिर एबीसीएस उनको पूछता है कि व्हाट इफ वी डू नॉट गेट दिस काइंड ऑफ पावर, तो प्रजा बताती है कि वी विल डू एवरीथिंग बिकॉज वी हैव द डिजायर फॉर समथिंग. तो ये कंडीशन के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि थर्ड एस्टेट के लोग, और ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे जब यहाँ पे सब इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होने के बाद अब राजा उनको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं. और अभिषेक की लीडरशिप के अंदर यहाँ पे राजा के किले के अंदर एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, ये टेनिस कोर्ट के अंदर मिलते हैं, और टेनिस कोर्ट के अंदर एक बहुत ही बड़ा ओथ लेंगे, और ओथ लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि आज के बाद फ्रांस के अंदर ना कोई फर्स्ट एस्टेट है, ना कोई सेकेंड एस्टेट है, ना कोई थर्ड एस्टेट है, आज के बाद फ्रांस के अंदर तो एक ही सिस्टम चलेगी, और वो है नेशनल असेंबली. Now onwards, the third estate is the National Assembly, and those who feel to join this system, तो उनको first and second estate से अपने rights abdicate करने पड़ेंगे, और उनको हमारे यहाँ पे देखना पड़ेगा. राजा confused, राजा फिर से अपने advisors के ऊपर पूछ रहा है, और राजा उनको पूछने की कोशिश करता है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और उसके advisors बोलता है कि oh my lord, they are preparing for the revolt, यहाँ पे क्रांति हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या. राजा मूर्ख था, बोले ताला लगा के यहाँ पे क्रांति रोकने की कोशिश करता है, और वही क्रांति की शुरुआत जब यहां पे 16 जून 1789 का दिन ये 5 मई से सिस्टम चलती आती है, और यहां पे टेनिस कोर्ट के ऊपर जो फ्रांस का राजा का जो किला था वहां पे ये लोग शपथ लेंगे, और यहां से शुरुआत होगी.
ये शुरुआत चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और 27 जून 1789 के दिन को यहाँ पे ये जो नेशनल असेंबली के लोग होंगे ये फिर से मिलेंगे और राजा के ऊपर प्रेशर डालेंगे। राजा को भी अब समझ में आ गया था कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे इनको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, एंड एज अ रिजल्ट द किंग रिकग्नाइजेस। द मोमेंट द किंग रिकग्नाइजेस दिस ऑल नेशनल असेंबली, फ्रांस के अंदर से फ्यूडलिज्म और सर्वधर्म को अबोलिश कर दिया जाता है, फ्रांस के अंदर से जो प्रिविलेज बेस्ड सिस्टम थी उसको भी अबोलिश कर दिया जाता है, और फ्रांस के अंदर से जो चर्च का जो पावर था, जो टैक्स इम्पोज करा था, वो भी अबोलिश कर दिया जाता है। फ्रांस की प्रजा के अंदर इतना गुस्सा था कि बात मत पूछो, और फ्रांस के अंदर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राइसिस हो रहे थे उसको डील करने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन चाहिए, बट लुई 16 ऐसा बोला जाता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, और इसके कारण ही फ्रांस की क्रांति हुई। रात गई बात गई 1789 का 27 जून का दिवस, और उस दिन यहाँ पे नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज कर दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा समय निकलता है और 9 जुलाई के आसपास आते हैं, और 9 जुलाई के दिन यही नेशनल असेंबली के लोग फिर से राजा को प्रेशर करेंगे और बोलेंगे कि हमको फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एंड ऑन दैट डे यू विल रियलाइज ऑन 9 जुलाई 1789 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड एंड द नेशनल असेंबली वॉज कन्वर्टेड इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बैकग्राउंड के अंदर आपको जानकारी मिलती है कि फ्रांस के अंदर एक इन्वाइटिंग चलती रहती थी, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, लोगों के अंदर गुस्सा ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, इन्फ्लेशन हाई था, और फ्रांस की प्रजा ये सब चीजें देख रही थी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड इन दिस कंडीशन फ्रॉम 9 जुलाई यू विल सी दैट ड्यू टू दिस कंटिन्यूस इनफाइटिंग देयर वर ऑकरेंसेस ऑफ ब्रेड राइट्स, और ये ब्रेड राइट्स के कारण यहाँ पे फ्रांस का राजा जो वहां पे बैठा था वो यहाँ पे फिर से अपने एक फाइनेंस मिनिस्टर की हेल्प लेगा। वो फाइनेंस मिनिस्टर का पहले का नाम था टर्गट, और टर्गट यहाँ पे जैक्स टर्गट उसको बोलते हैं, वो सरकार को बताता है कि तुमको अपना खर्चा थोड़ा कम करना पड़ेगा और यहाँ पे जो सिस्टम है वो कम करनी पड़ेगी। राजा उसको हटा देता है और उसके बाद नए फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट करता है जिसका नाम था जैक्स नेकर। ये जैक्स नेकर हुआ करता था, इसने राजा को बताया कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लेना पड़ेगा, और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी आपको टैक्स इम्पोज कराना पड़ेगा, तब जाके ही यहाँ पे आप फ्रांस को बना पाओगे, वरना फ्रांस नहीं बचेगा, फ्रांस तबाह हो जाएगा और आप भी यहाँ पे हालत खराब हो जाएगी। जब यहाँ पे जैक्स नेकर ये प्रपोजल राजा को देंगे तो आपको जानकारी मिलती है कि ये जितने भी राजा के नोबल्स और एरिस्टोक्रेट थे वो राजा के ऊपर प्रेशर डालेंगे और जैक्स नेकर को यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर के तौर के ऊपर हटा देंगे। अब देखेगा कि ये जैक्स नेकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे उसको बहुत ही फॉलो करते थे, और उसके बहुत सारे कॉमन मैन के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसको एक अच्छी इमेज के साथ देखा करते थे कि ये फ्रांस की इकोनॉमी को रिफॉर्म करेगा। तो जैसे ही फ्रांस की प्रजा को ये न्यूज़ मिलते हैं कि जैक्स नेकर को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर के ऊपर हटा दिया गया है, तो इसी के बाद 4-5 दिन तक फ्रांस के अंदर बहुत रायट्स होंगे, और ये रायट्स के मद्देनजर फाइनली 14 जुलाई 1789 के दिन को फ्रांस का राजा जहां पे उसका मैं किला हुआ करता जो बस्टाइल का किला है, वो बस्टाइल के किले के ऊपर अटैक करेंगे। और ये बस्टाइल के किले के ऊपर जब अटैक करेंगे तो फ्रांस की रानी यहां पे पूछेंगी कि भाई ये लोग क्यों इतना रायट्स कर रहे हैं, ये क्यों इतना यहां पे दंगल मचा रहे हैं। तो रानी को बोला जाता है कि भाई इन लोग के पास पैसे नहीं हैं, इनको ब्रेड खरीदने के पैसे नहीं है। तो रानी बोलेगी कि कोई बात नहीं, ब्रेड नहीं है तो केक खाने दो। तो ऐसी रानी ऐसा राजा, और ये कंडीशन के अंदर फ्रांस के लोग थे जो राजा की अथॉरिटी हुआ करती थी, और उनको पता था कि जब तक राजा और रानी नहीं हटेंगे तब तक फ्रांस के अंदर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको ये लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड फाइनली ऑन 14 जुलाई 1789 द पीपल स्टॉर्म द फोर्ट ऑफ बस्टाइल, और बस्टाइल को किले को ध्वस्त कर दिया जाता है, और उसी दिन फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे या नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको जानकारी रहनी चाहिए कि यही 14 जुलाई 2016 के दिन यहाँ पे फ्रांस के अंदर नाइस नाम का एक शहर है, वो नाइस नाम के शहर के अंदर आइसिस का एक आतंकवादी जो था वो यहाँ पे एक ट्रक लेके चला जाता है। फ्रांस की प्रजा यही नेशनल डे को सेलिब्रेट कर रही थी 14 जुलाई, आज की तारीख में आपको 6 महीने पहले की, 5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो इवेंट था फ्रांस की हिस्ट्री के लिए लैंडमार्क था, और इसी दिन से राजा की जो अथॉरिटी थी वो धीरे 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 ध्वस्त होती गई। अब देखेगा कि आगे इवेंट होते रहेंगे, और इवेंट के चलते रहते यहाँ पे आपका समय आ जाता है 26 अगस्त 1789 का। फ्रांस की प्रजा को इतना गुस्सा था और राजा की अथॉरिटी के ऊपर अटैक करने के बाद इन्होंने 26 अगस्त 1789 के दिन डिक्लेयर कर दिया द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन। बोले आज के बाद यहां पे फ्रांस की राजा प्रजा बोलेगी कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल,
एज एन इंडिविजुअल वी हैव गॉट सर्टेन नेचुरल राइट्स विच आर बिस्टोर्ड बाय द गॉड एंड नो वन कैन टेक दिस थिंग एंड दिस बिकेम द डेथ सर्टिफिकेट टू द ओल्ड सिस्टम इन फ्रांस. प्रश्न आता रहता है कि दैट द डिक्लेरेशन ऑफ 26 अगस्त 1789 वॉज अ डेथ सर्टिफिकेट टू द ओल्ड सिस्टम इन फ्रांस. क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है कि एवरी फ्रेंचमैन वॉज इक्वल एंड दिस पीपल एम्ब्रेस द डॉक्यूमेंट बाय द फ्रेंच किंग एंड द नोबल्स डिड नॉट. यू विल सी दैट दिस 26 अगस्त 1789 डिक्लेरेशन टॉक्स अबाउट ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन वॉज गिवन. फ्रीडम ऑफ प्रेस वॉज गिवन. राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट वॉज गिवन टू द फ्रेंच पीपल. राइट टू होल्ड ऑफिस एंड राइट टू फेयर ट्रायल. तो जहाँ जहाँ जो इनइक्वालिटी, जो प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी, वो प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी के ऊपर यहाँ पे ताला लगा दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है 26 अगस्त 1789 डिक्लेरेशन के बाद. ये चीज़ फ्रांस के अंदर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और वहाँ से ही फ्रांस के अंदर से लोग डिसाइड करेंगे कि हमको रिपब्लिकन फ्रांस बनाना है, और वहाँ से लिबर्टी, इगालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है वो फ्रांस के अंदर उभर से आता है कि एवरी मैन इज बॉर्न फ्री, एवरी मैन इज बॉर्न इक्वल एंड वी नीड टू हैव फ्रेटर्निटी अमंग ऑलसेल्फ, जिसके कारण हम लोग समाज का निर्माण करेंगे. ये फ्रांस की प्रजा 1791 तक आते आते फ्रांस के राजा के ऊपर प्रेशर डालेगी, और फ्रांस के राजा के ऊपर प्रेशर डालने के बाद उनको बोलेगी कि भाई हम लोग को नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. फ्रांस, द किंग ऑफ फ्रांस आउट ऑफ प्रेशर सकम्स टू दिस पीपल एंड एज अ रिजल्ट द फ्रेंच बिकेम द फ्रेंच स्टेट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और यहाँ पे सिस्टम आगे चलती है. अब देखेगा कि 1791 के अंदर फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत यहाँ पे जानकारी मिलती है कि फ्रांस के राजा के पास सस्पेंसिव वीटो था. सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये था कि यहाँ पे जो नेशनल असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी, अगर कोई भी बिल पास करती, अगर राजा को चाहता है, अगर राजा चाहता है कि ये बिल को मुझे रोकना है, तो वो रोक सकता है और उसको सस्पेंड कर सकता है. ओके, ये कंडीशन के अंदर में 1791 का अक्टूबर आया, और ये अक्टूबर के अंदर में यहाँ पे फ्रांस के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ और पॉपुलर सॉवरेनिटी को इम्पोज करा दिया गया है. ओके, सो यू विल सी दैट द फ्रेंच सोसाइटी एंड द फ्रेंच पॉलिटिक्स वाज प्रोग्रेसिंग एंड द स्टिल द किंग स्टिल हैड सम काइंड ऑफ पावर. अब फ्रांस के अंदर होता यह है कि 1791 के आसपास जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो फ्रांस के अंदर बहुत सारी एनार्की आई, और फ्रांस के अंदर जब क्रांति होती है तो बहुत सारे आजू बाजू स्टेट्स के जो राजा थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, क्योंकि आजू बाजू के राजा, जैसे ऑस्ट्रिया का राजा, जैसे प्रशिया का राजा, जैसे रशिया का राजा, जैसे और भी कंट्रीज के राजा, और उनको दिख रहा था कि भाई फ्रांस की प्रजा ने राजा के हाथ में से पावर ले लिया है, तो हो सकता है कि ये फ्रांस की जो क्रांति की आग है हमारे स्टेट के अंदर आ जाएगी, और हमारी प्रजा अगर अवेकन हो गई, हमारी प्रजा अगर अवेयर हो गई, तो हमको भी सत्ता से हटा देगी. और ये कंडीशन के अंदर में आपको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे बहुत सारी एक कोलेशन होती है, जहाँ पे फर्स्ट यूरोपियन कोलेशन कहते हैं, जहाँ पे स्पेन, पोर्चुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड जैसे कंट्री के राजा जो थे वो लोग फ्रांस के इन्वेड करेंगे, और इन्वेड इसके लिए करेंगे क्योंकि फ्रांस का जो राजा था लुई सिक्सटीन वो अपने दोस्तों को बुलाएंगे कि भाई लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, यहाँ पे बहुत सारी अराजकता है, यहाँ पे बहुत सारी एनार्की है, और इसका फायदा उठा के वो अपने अपने दोस्तों को बुलाएगा यहाँ पे कि भाई मुझे फिर से सत्ता के ऊपर ला दो, ये प्रजा ने मेरी हाल बेहाल करके रख दी है. बट यू विल रियलाइज व्हेन द फ्रेंच किंग यहाँ पे इनवाइट करता है, फ्रांस के ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक होता है, तो वो अटैक का रिजल्ट कुछ अलग होगा. क्यों? क्योंकि इस बार यहाँ पे फ्रांस की प्रजा थी, और फ्रांस की प्रजा जो थी उसने सेना बनाई थी, और वो सेना के कारण यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि जब फर्स्ट यूरोपियन कोलेशन फ्रांस को इन्वेड करेगा 1792 में, तो फ्रांस की हर एक पब्लिक जो थी वो सड़कों के आपे और यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करेगी, और फ्रांस ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि राष्ट्रवाद नाम की जो चीज़ है, जो नेशनलिज्म नाम की जो आइडियोलॉजी है, उसके सपोर्ट लेके उन्होंने ये यूरोपियन कोलेशन को डिफीट किया, और राजा और रानी जो माली बन के उस टाइम पे भाग रहे थे उनको पकड़ के गिलोटिन कर दिया गया है. एंड एज अ रिजल्ट द फ्रेंच किंग बाय 1792 यू विल रियलाइज कि उसका खात्मा होता है, और उसी के बाद से फ्रांस के अंदर यहाँ पे एक नई सिस्टम आती है जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल कन्वेंशन. 1792 की बात, 1792 के अंदर मैंने आपको बताया कि राजा को हटा दिया जाता है, और उसके बाद एक नई सत्ता आती है जिसे कहा जाता है नेशनल कन्वेंशन. ये नेशनल कन्वेंशन बेसिकली यहाँ पे करीबन 750 के आसपास जो मेंबर्स हो गए फ्रांस के, वो लोग बन के आते हैं, बहुत सारे ये लोग इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई राजा को हटा देना है. अब देखिएगा कि ये नेशनल कन्वेंशन बहुत सारी चीज़ें करेगी. मैंने आपको बताया कि फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया गया. फ्रांस, याद करिएगा कि फ्रांस है ना 3-4 बार रिपब्लिक बनता है.
हर बार नई सरकार आएगी और वो बोलेगी कि भाई हमने रिपब्लिक बनाना है, हर बार फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनता रहेगा। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, तो ये आपका फर्स्ट रिपब्लिक था जिसे बोला जाता है 1792 के अंदर अनेक किया गया। ओके, यहाँ पे एडल्ट मेल सिटीजन को भी राइट्स भी ग्रांट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि वुमेन्स वर नॉट गिवन राइट टू वोट। यू विल ऑल्सो सी दैट दे वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द बिहेडिंग ऑफ लुई XVI। लुई XVI जो माली बन के भाग रहा था, वहां पे ये फ्रांस की प्रजा और ये जो नेशनल कन्वेंशन था उसको गिलोटिन कर देगा। आपको जानकारी रहेगी कि पहले के टाइम के अंदर फांसी की जगह ये गिलोटिन का यूज करते थे, तो आदमी का सर अलग हो जाता था ओके पूरा बॉडी से, तो उस हिसाब के सिस्टम यहाँ पे डेवलप कराने की कोशिश की गई थी। बट ये नेशनल कन्वेंशन बहुत सारी सिस्टम को चेंज करेगा और वही चेंज के कारण यहाँ पे सिस्टम चलती रहेगी। ओके, राजा को डिस्पोज कर दिया जाता है, असेंबली को डिस्पोज कर दिया जाएगा और नए लेजिस्लेचर के ऊपर ये लोग डिमांड करते हैं। अब देखिएगा कि ये नेशनल कन्वेंशन के अंदर बहुत सारी सिस्टम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। नेशनल कन्वेंशन के अंदर यहाँ पे 1792 से लेकर 1795 के बीच में फ्रांस के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी कि दो ग्रुप थे, एक तो था जिरोंडिस और दूसरा था माउंटेन गार्ड्स। ये जिरोंडिस बेसिकली यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट किया करते थे कि यहाँ पे विकेंद्रीयकरण हो जाए। बट ये जो माउंटेन गार्ड्स वाले जो लोग थे, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाले आपको दिख रहे हैं रेड कलर वाले जो टॉपिक के अंदर, ये लोग ऐसे लोग थे जो पावर को कैप्चर करना चाहते थे और सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पावर सेंट्रलाइज होए। और इसी के अंदर से एक ग्रुप उभर के आता है जिसे कहा जाता है जैकोबिन्स। अब बेसिकली ये जैकोबिन्स की एक कमेटी हुआ करती थी 12 मेंबर्स की, जो फ्रांस की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार थी। और ये जैकोबिन्स ने यहाँ पे फ्रांस को बचाया जब यहाँ पे इतने सारे लोग जो इंक्लूड होते हैं फ्रांस के ऊपर जो अटैक करते हैं। ओके, और ये फ्रांस की जो समय था 1792 से लेके 1795 के बीच में, इसी दौरान आपको जानकारी मिलती है कि फ्रांस के अंदर बहुत सारे अटैक्स हुए, वो अटैक्स के अंदर यहाँ पे इन्होंने बचाया। अब ये लोग क्या करते थे कि भाई फ्रांस के अंदर जो भी फ्रांस स्टेट के ऊपर क्वेश्चन करेगा या फ्रेंच अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसको लटक लटक उसको गिलेटिन कर दिया करते थे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल सी दैट मोर देन 3 लाख पीपल वर अरेस्टेड और ऑलमोस्ट 20,000 पीपल वर किल्ड और गिलोटिन बाय दिस पीपल। और इनका एक लीडर हुआ करता था रॉबेस्पियर। ये रॉबेस्पियर बेसिकली बोलता था कि द फ्रेंच स्टेट इज सुप्रीम और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और ये जैकोबिन्स ने पावर कैप्चर कर दिया था। तो करीबन 3 साल तक फ्रांस के अंदर बहुत अराजकता आती है। अराजकता को कंट्रोल करने के लिए ये लोग खून खराबा करेंगे और ये इसी को ही फेज को बोला जाता है रीन ऑफ टेरर। ये रीन ऑफ टेरर के दौरान में आपको जानकारी मिलेगी कि ये जो पब्लिक सेफ्टी की कमिटी थी बहुत सारे लोगों को खत्म कर देगी। अब फ्रांस की प्रजा इनसे कंटाली, इनको भी लगा था कि भाई हम लोग के हाथ में, और ये लोग भी थोड़ा थोड़ा एब्सोल्यूट बनने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के कारण आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये जो रॉबेस्पियर एक टाइम के अंदर इनका लीडर हुआ करता था, उसी को ही फ्रांस की प्रजा पकड़ के एक दिन उसको भी गिलोटिन कर देगी। एंड फाइनली यू विल रियलाइज दैट ऑन अक्टूबर 26, 1795 द रीन ऑफ टेरर और द नेशनल कन्वेंशन का उसका जो डिमाइस है वो खत्म हो जाता है। अब फ्रांस के अंदर फिर से अराजकता कि भाई अब यहाँ पे कौन सत्ता के ऊपर आएगा, और यू विल सी दैट इस टाइम के अंदर फ्रांस की पब्लिक फिर से डिसाइड करेगी और वो पावर दे देती है द डायरेक्टरी को। ये डायरेक्टरी बेसिकली 5 लोगों का डायरेक्टर्स हुआ करते थे और ये डायरेक्टर्स यहाँ पे फ्रांस के ऊपर रूल करेंगे 1795 से ले से। यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी करीबन 1799 तक इनका पावर होगा और ये यहाँ पे रूल करेंगे। अब बेसिकली ये डायरेक्टरी के अंदर जो बुर्जुआ वर्ग था, जो फ्रांस का मिडिल क्लास था, जो मिडिल क्लास ही डायरेक्टरी के ऊपर रूल किया करता था। ओके, तो ये मिडिल क्लास यहाँ पे रूल करता था। इन्होंने क्या किया कि ये जो वोटिंग राइट्स है, जो वोटर फ्रेंचाइजी थे, उसको लिमिटेड कर दिया और बहुत कम लोग को वोटिंग राइट दिए। सेकेंडली यहाँ पे जो इलेक्टर्स हुआ करते थे, जो चुनाव लड़के आते थे, वो भी वेल्दी क्लास के लोग हुआ करते थे, और इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करके हाईजेक करने की कोशिश की थी। अब ये जब डायरेक्टरी यहाँ पे था तो फ्रांस को थोड़ी बहुत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने की कोशिश की है। बट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो यू विल सी दैट द फ्रेंच स्टेट वॉज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक। और ये अटैक कहाँ से आता रहता था, बाजू के जो यूरोपियन किंग्स हुआ करते थे, जो यूरोपियन किंग्स के जो जो राजा हुआ करते थे, ये लोग फ्रांस के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करते थे कि भाई फ्रांस के अंदर ये जो प्रजा के हाथ में पावर आया है वो पावर को हम लोग खत्म कर दे। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि फ्रांस के अंदर बहुत अराजकता थी। ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल सी कि व्हेन जैकोबिन्स कम टू पावर तो फ्रांस के अंदर बहुत एनार्की आई, और एनार्की के कारण बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए और लोग चाहते थे कि भाई हम लोग यहाँ पे पावर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और फिर से जो मोनार्की है वो मोनार्की को हम लोग रिस्टोर करेंगे। सो इन दिस कंडीशन यू विल सी कि फ्रांस के अंदर बहुत अराजकता थी, क्योंकि क्रांति जब हुई तो क्रांति की जो एनर्जी थी, द एनर्जी विच लाइक नो विच
विच केम आउट बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच पीपल वर नॉट एबल टू हैंडल, एंड एज अ रिजल्ट फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन के बाद एक और रिवॉल्यूशन के बाद एक और रिवॉल्यूशन होता रहा होता रहा होता रहा, और स्टेबिलिटी फाइनली 1871 तक आते आते होगी. ओके, सो ये कंडीशन के अंदर हमको जानकारी मिलती है कि डायरेक्टरी के जो लोग थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, और ये कमज़ोर के दौरान यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरीज हुआ करते थे, जो जेकोबिन्स क्लब के जो पुराने लोग थे, वो इनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता हमारे हाथ के ऊपर आ जाए. सेकेंडली, यहाँ पे जो आपकी फ्रांस के अंदर जो मोनार्की के जो सपोर्टर्स थे वो लोग भी चाहते थे कि भी सत्ता हमारे हाथ के ऊपर आ जाए. सो एक साइड के ऊपर आपको जानकारी मिलती है कि एक साइड के ऊपर डायरेक्टरी पावर के ऊपर था, ऑन सेकंड साइड यू विल सी कि इट वाज द जैकोबिन्स व्हिच वर ट्राइंग टू कंट्रोल द पावर, एंड ऑन द अदर साइड यू विल सी कि फ्रांस के अंदर जो मोनार्की वाले फोर्सेस थे वो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, एंड हेंस फ्रांस के अंदर सख्त अराजकता थी. और ये अराजकता के कारण फ्रांस के लोग चाहते थे कि हम लोग को कोई कंट्रोल करने वाला इंसान हो, और ये बैकग्राउंड के अंदर जब डायरेक्टरी रूल कर रही थी तो 1795 से लेके 1798 का समय है जब यहाँ पे एक आर्मी का जो ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम था नेपोलियन, वो नेपोलियन अपने पर्चे लहरा रहा होता है यूरोप के बहुत सारे देशों के अंदर, साथों साथ नॉर्थ अफ्रीका के अंदर. और ये नेपोलियन ये कंडीशन में अंदर आते आते यहाँ पे फाइनली 1795 के आसपास से ही फ्रांस के अंदर पॉपुलर हो रहा था. जहाँ जहाँ फ्रांस के अंदर दंगे होते थे तो एट टाइम्स उसको बुलाया जाता था, और इसी के कारण यहाँ पे जब पेरिस के अंदर बहुत बड़ा दंगा हुआ तो नेपोलियन ने वहाँ पे आर्टिलरी बार्टिलरी अपनी सेना का उपयोग करके उनको तबाह कर दिया, उनको भगा दिया. वो फ्रांस के अंदर बहुत पॉपुलर हो रहा था और डायरेक्टरी के अंदर भी बहुत पॉपुलर हो रहा था. बट इन दिस कंडीशन यू विल सी कि डायरेक्टरी बहुत वीक हो रही थी और डायरेक्टरी के हाथ में पावर नहीं आ रहा था, और पावर कहीं ना कहीं कैप्चर करने के पीछे यहाँ पे ये जो टग ऑफ वॉर चलता रहता था फ्रांस के अंदर, इसी का ही फायदा उठाया नेपोलियन ने. एंड फाइनली इन नवंबर 1799 नेपोलियन कैप्चर्स द पावर फ्रॉम डायरेक्टरी बाय डूइंग अ कूप. यहाँ पे एक कूप करता है, सत्ता पलट करने की कोशिश करेगा, और उसमें वो कामयाब रहता है. और उसके बाद यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि नेपोलियन फाइनली यहाँ पे सत्ता के ऊपर आ जाता है. ये नेपोलियन 1799 में डायरेक्टरी से पावर का एस्टेब्लिश करेगा, और उसके बाद यू विल सी कि यहाँ पे वो डायरेक्टरी को अबोलिश कर देगा और यहाँ पे तीन कॉन्सुल्स की सरकार बनाएगा, द फर्स्ट कॉन्सुलेट, द सेकेंड कॉन्सुलेट एंड द थर्ड कॉन्सुलेट. और इसके अंदर में नेपोलियन अपने आप को फर्स्ट कॉन्सुलेट का सभ्य बनाता है और अपने आप को डिक्टेटर कर देता है. जब नेपोलियन यहाँ पे अपने आप को डिक्टेटर घोषित करेगा फर्स्ट कॉन्सुलेट के थ्रू, तो फिर से यहाँ पे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया जैसे कंट्रीज से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, और इन बिटवीन वो 1802 के आसपास यहाँ पे पीस लाने की भी कोशिश करेगा. एंड इन दिस वे विल सी फ्रॉम 1799 ऑनवर्ड्स टिल 1815 द एज ऑफ नेपोलियन. इसके बाद जो भी होगा वो सिर्फ नेपोलियन, नेपोलियन और नेपोलियन होगा. सो 1799 टू 1815 विल बी द एज ऑफ नेपोलियन. एंड सेकेंडली, हमको ये भी देखना है कि फ्रांस की ये जो क्रांति हुई इसका क्या परिणाम आया.